गावच्या मुस्लिम बांधवांतर्फे आमच्या सर्वांचं भव्य स्वागत करण्यात येत आहे. आमच्या जास्त त्याची बोलते भाई लोग ऐसा भारी आई जरा था पीले कलर की जितनी टी शर्ट पहने. आगरा से निकल करके राजगढ़ की तरफ जा रही है, मालेगांव होते हुए जा रही है. तो यहाँ पर जमीयतुल उलमा मालेगांव के जिम्मेदारान और लोक सेवा के जितने भी जिम्मेदारान हैं वो यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है. जमीयतुल उलमा हिंद वो जमात है जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराया और मुल्क की आज़ादी के बाद से पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान का पैगाम, प्यार मोहब्बत का पैगाम, जो कि शिवाजी महाराज का भी पैगाम था, वो पूरे मुल्क के अंदर ये जमात फैला रही है. और जमीयत सद्भावना मंच के नाम से पूरे देश के अंदर 28 अगस्त को 1000 के करीब प्रोग्राम करेंगी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इसका पैगाम देंगी. और जब तक इस मुल्क के अंदर सब अमन सलामती के साथ प्यार मोहब्बत के साथ नहीं रहेंगे उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा. और मुल्क बाकी रहेगा तो हम बाकी रहेंगे. इसलिए मुल्क के अंदर से नफरत को मिटाना है, इंतशार को ख़त्म करना है. एक फ़िरका परस्त अनासिर इस मुल्क के अंदर कानून शिकनी कर रही है, कानून को बालाए ताक रख करके लोगों के अंदर नफरत फैला करके खानों में बांट रही है. ये जो रैली निकली है ये भी इत्तेहाद का पैगाम दे रही है. हम इनका इस्तकबाल करते हैं शहर मालेगांव की जानिब से, इनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं. नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय जेदे है. ये हमारी जो यात्रा है इसका नाम है गरुड़ झेप मुहिम. गरुड़ झेप माने गरुड़ की तरह उड़ान लेके छत्रपति शिवाजी महाराज 17 अगस्त 1666 को आगरा की कैद से निकले और महाराष्ट्र में पधारे. उस दिन को हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करना है. और 13 दिन में 1253 किलोमीटर की जो है हम दौड़ लगाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की, ये मशाल है. और इससे हम 13 दिन में हर रोज़ 120-130 किलोमीटर का फासला काटेंगे दौड़ते हुए. और इससे हम दो संदेश देना चाहते हैं. पहला है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ मुक्त भारत हो, क्योंकि ये हमारी कसरत है. हम इससे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कसरत करिए हर रोज़. और घर घर में जो रोग फैला हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो निडरपना जो है और दिल की हार कभी नहीं मानना जो पैगाम है, उसमें से हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ मुक्त भारत करेंगे. दूसरा जो पैगाम है कि ये जो रास्ता है 1253 किलोमीटर में, हम इसमें जगह जगह पे पेड़ और पौधे लगाएंगे और बीज लगा के इसको हरित मार्ग करने वाले हैं, जिसको ये जो है ये शिव स्मरण मार्ग जो है वो सालों साल टिका रहे. और 29 अगस्त को राजगढ़ में जब छत्रपति शिवाजी महाराज पहुँचे उसी दिन को हम वहाँ पर जाके छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करेंगे. और एक मिनट. हाँ सॉरी, मालेगांव में आपका इस्तकबाल. हाँ, ये आज का दिन जो है ये 8वां दिन है, 13 दिन में से 8वां दिन है. और हमारा एंट्री अभी इस वक्त मालेगांव के शहर में हुआ है. और मालेगांव के हमारे जो मुस्लिम भाई है उन्होंने हमको इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी, हमारा अच्छी तरह से स्वागत किया. हमने भी यहाँ पर उनसे गले मिले, एक अच्छा पैगाम यहाँ पर हम मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, इस देश में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. और आगे जाके भी ये सलोखा कायम रहे. हर साल हम 24 अगस्त को इसी टाइम पे यहाँ आएंगे, हमारे मुस्लिम भाइयों से मिलेंगे, गले मिलकर हम राजगढ़ की तरफ निकलेंगे. ग्रुप की जानिब से आज पूरे मालेगांव के अंदर जो मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है कि कोई शिवाजी महाराज ने
धर्म प्रचारक नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को बचाने के लिए, उसके माल मत्ता सत्ता और इज्जत को बढ़ाने के लिए जो पैगाम दिया, हम इसी प्रेरणा देने के लिए जिजाऊ के ऊपर 11 जनवरी को गए थे, 10 लाख रुपए खर्च किए कि ये देश की 12 जनवरी को ये देश की वो मिट्टी है कि जहाँ से मोहब्बत भरी चीज़ें निकलती है। मीडिया ने मुझे घेर लिया था और बोले कि ये इतने टोपी कुर्ता पैजामे वाले मौलाना इतनी छोटी तादाद में आके क्या करेंगे। ये मैं वहाँ का सवाल का जवाब यहाँ देना चाहता हूँ कि मीडिया भी अपना रोल प्ले करे कि अगर वो अच्छी बातों को शेयर करेगी सही रूप से पॉजिटिवली तो ये पूरी नफरत की आग आज ही बुझ जाएगी। आज मैं इस पैगाम को इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब मुझसे यह कहा गया कि यह मुट्ठी भर मुसलमान क्या पैगाम लेके आए जीजाऊ के ऊपर, तो मैंने कहा था कि एक भयानक आग नफरत की लगी थी, चोंच में एक चिड़िया चंद कतरे थेम पानी लेकर पहुंची तो उस कौवे काले दुश्मन ने बोला था तेरे एक थेम कतरे पानी से क्या होगा, तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया था वही आज हमारा पैगाम है कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा देश में नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लगाया जाएगा। धन्यवाद।